नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube के इस सक्सेस स्टोरी के एक सीरीज में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाला हूं जो अधिकतर कई सारे एवियन के मरीजों के मन में होता है कि क्या होम्योपैथिक दवाई हम ले रहे हैं तो उससे MRI में या एक्सरे में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? सर, हमें फायदा तो बहुत है, पर क्या MRI नॉर्मल आएगी? सर, क्या हम होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं तो ये इसका असर ब्लड सप्लाई पे होता है क्या? क्या इससे हड्डी बन जाती है? क्या जोड़ों के बीच का जो पानी होता है, जो ग्रीस होता है, जो लिक्विड होता है, वो फिर से बन सकता है क्या? और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि क्या कार्टिलेज जो है वो फिर से बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है? तो आज ऐसी ही सक्सेस स्टोरी को लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसमें हमने एवियन का पेशेंट जब लिए तो उनकी ज्वाइंट डिफ्यूजन था। अब कुछ महीने के ट्रीटमेंट के बाद उन्हें ज्वाइंट डिफ्यूजन भी उनका ठीक हुआ है और जो मेरो इडिमा होता है वो भी इनका ठीक हुआ है। विद एविडेंस आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे होम्योपैथिक दवाइयों से हम एवियन को ठीक कर सकते हैं और एवियन की MRI भी नॉर्मल आ सकती है। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ प्रकाश जी से। प्रकाश जी नमस्कार। प्रकाश जी मांगलिया इंदौर से हैं, हमारे ही सिटी से ये बिलोंग करते हैं। काफी समय से ये एवियन से पीड़ित हैं। इनकी पूरी स्टोरी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे जो है ये खुद ही बताएंगे कैसे इनको एवियन हुआ, एवियन का क्या कारण था, कैसे कैसे डॉक्टरों के पास ये दौड़े थे और आज किस अवस्था में इतने समय से लगभग 6-7 बार आ गए यहाँ पे ना, 6-7 बार, 6-7 महीने का ट्रीटमेंट इनका हो गया है। तो इन 6-7 महीनों में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, अभी कितना इंप्रूवमेंट है जो जेन्युइन है और MRI रिपोर्ट्स क्या बोल रही है, दूसरे डॉक्टर्स ने इन्हें क्या बोला था, सारी चीज जानते हैं। तो प्रकाश जी, आप व्यूवर्स को जरूर बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक का। मैं ये बताना चाहूंगा सभी लोगों को, मैं लास्ट मार्च से इस जो ये जो बीमारी चल रही है अभी काफी देखने में आ रही है हम लोगों को कि ये जो एवीएन है अभी काफी सारे लोग इससे पीड़ित हैं। ये मुझे लास्ट टाइम मार्च में कुछ थोड़ा दर्द स्टार्ट हुआ था जो मैंने सोचा था कि ये नॉर्मल होगा, बट जब मैंने कुछ 2-3 डॉक्टरों को दिखा चुका था तो फिर मेरे को MRI सजेस्ट किया था। जब मैंने MRI किया तो मुझे समझ में आया कि ये मुझे एवीएन हुआ। जब मुझे एवियन हुआ तो मैं काफी परेशान हो गया था, मेरे घर पे भी काफी लोग सभी लोग परेशान हो गए थे। मैं थोड़ा सा टेंशन में भी आ गया था कि यार अब इसको कैसे टेकल किया जाए या फिर जो भी है। मैंने काफी सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, मैं लगभग एक दिन में, मुझे अच्छे से याद है, मैं एक दिन में कम से कम 6-7 डॉक्टर को दिखा चुका था। 6-7 ऑर्थोपेडिक्स को मैं दिखा चुका था। हर डॉक्टर के पास जब मैं जा रहा था तो सिर्फ मुझे यही बोला गया कि आपको रिप्लेसमेंट कराना होगा, इसके अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं। बट मैंने भी सोचा और मेरे साथ वालों ने भी बोला, क्योंकि मेरी एज अभी उतनी ज्यादा नहीं है तो मेरे को सजेस्ट किया कि हम लोग इसके लिए कुछ और देखें। तो मैं इसके बाद में फिर कुछ और जो अपने होम्योपैथी वाले डॉक्टर है उनके पास भी गया। मैंने वहां पे 2 महीने और ट्रीटमेंट लिया बट ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि कुछ होना चाहिए। बट जब मैंने आकाश सर को देखा यूट्यूब पे, एक्चुअल में हुआ ये था कि मैंने आकाश सर के कुछ वीडियोज देखे थे, वीडियोस देखे, उसके बाद में मुझे लगा यार ये ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन पे कौन विश्वास करेगा कैसा क्या। फिर सडनली ये हुआ कि 1-2 महीने सर के वीडियोस नहीं आए तो मुझे लगा हो सकता है कुछ होगा। बट एक दिन अचानक से सर का ये हुआ कि उन्होंने वीडियो डाला कि अब यहाँ पे इंदौर में भी फिजिकली देखना स्टार्ट कर दिया सर ने, तो मुझे लगा यार ये कहीं ना कहीं मेरे लिए लाइफ में चेंज लेके आएगा। और मैं जस्ट अगले ही दिन सर से मैंने अपॉइंटमेंट लिया और मैं सर के पास दिखाने के लिए आ गया। जब मैंने सर को दिखाया तो उसके जस्ट 10 से 15 दिन बाद ही मेरे दर्द में मेरे को काफी आराम मिला और उसके बाद से मैं कम से कम 6-7 सेटिंग ले चुका हूं सर के पास में। और आज जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं अभी काफी खुश हूं कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट है और कुछ ना कुछ नहीं, जब सर से मिला तो मुझे लगा कि काफी सारा इम्प्रूवमेंट है इसमें और जो देखने को मिल रहा है, तो मुझे अभी दर्द में काफी रिलीफ है। मैं अभी जब से सर को दिखाया मैं मेरे सारे काम कर रहा हूं। इवन जब मेरे को फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था तो मैंने 1 मंथ का बेड रेस्ट भी किया था, बट अभी मैं कोई रेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा काम आसानी से कर पा रहा हूं। बाइक भी चला रहे हैं? जी, बाइक भी चला रहा हूं। मैं सेल्स पर्सन हूं, मैं सेल्स में काम करता हूं और मैं बाइक भी चला रहा हूं, मैं सारे काम कर रहा हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हमने ऐसा कुछ ज्यादा आपको हैवी प्रिकॉशन भी नहीं बताया कि मत खाना, ऐसा मत खाना, कुछ नहीं है। मेरे को अच्छे से पता है कि आज भी मैं सारी चीजें खाता हूं जो सर ने मेरे को कभी ऐसा नहीं बोला है कि आपको ये कुछ करना है, ये नहीं करना, परहेज कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मली चलता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इस बीच में कोई एलोपैथिक दवाई अपन ने आपको हमने बोली होगी ये तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा वैसा कोई एलोपैथिक दवाई नहीं, कोई पेन किलर नहीं,
केवल प्योर होम्योपैथिक दवाइयां इन्होंने ली है, वो काफी आराम है। जी। फर्स्ट मंथ के बाद तो शायद 90-95% आपको आराम मिल गया था, कोई है ना। बीच में दर्द भी बढ़ा था दवाई लेने के बाद? बीच में जब फर्स्ट टाइम जब मैंने लिया था तो एकदम से दर्द बढ़ा था, बट फिर वो वापस से फिर नॉर्मल हो गया था। तो वो सर बताते ही हैं कि नॉर्मली जब आप फर्स्ट टाइम लेते हो तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस आता है, बाकी उसके बाद से कोई दर्द नहीं। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो मैं बोलता हूँ ना वो एक साइंटिफिक बेस के आधार पे बोलता हूँ। 6 साल इस बीमारी को हमने दिए हैं, हजारों पेशेंट देखे हैं, तब जाकर के कुछ हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। उठे सूठे कुछ भी नहीं बोलते कि यहाँ हाथ लगाने से ब्लड सप्लाई शुरू हो जाएगी, ये करने से ब्लड सप्लाई शुरू हो जाएगी, उसको आपकी पैथोफिजियोलॉजी आपको जब तक नहीं पता है, जब एक डॉक्टर को ये नहीं पता है कि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है, नॉर्मल हिप पे कौन कौन सी आर्टरीज आकर के मिलती है, और एवियन में हमने सर्जरीज भी देखी एवियन की, तब जाकर के तो पता लगा कि अंदर कितना सड़न हो जाती है, ठीक है। तो जो रिजल्ट मिलते हैं अभी आज मैं इनको आज एमआरआई भी दोनों आपको बताऊंगा बिफोर आफ्टर की, तो आप देखेंगे कि इनका जो मेरो इडिमा है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है, साथ ही साथ में जो जॉइंट इफ्यूजन था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जो रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रीवियस एमआरआई आपकी देखी और ये वाली एमआरआई, दोनों को कंपेरिजन करके भी इसमें बताया है, ठीक है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, मेरो इडिमा ठीक क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ होगा, है ना, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी WBC होती है और वो ब्लड में ही होती है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है शरीर में वो भी ब्लड में ही होता है, मतलब सारी चीजें ब्लड में ही होती है। तो जब तक ब्लड फीमर के हेड तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो है सूजन भी कम नहीं होगी, तब तक जो है आपका फ्लूड भी फिर से नहीं भराएगा, तब तक जो है जो पंचर हो चुकी है सारी चीजें वो भी हील नहीं होगी। तो यदि कहीं ना कहीं जो है अपन ने वहां पे ब्लड पहुंचाया है इसीलिए ये सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। तो मैं आपको अभी MRIs भी बताऊंगा और इनकी MRI की जो फिल्म है उसमें क्या रिजल्ट मिला है वो भी जरूर बताऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए ये इनकी जो है 4 मई की MRI रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें फीके टार्लेट स्टेजिंग जो है थर्ड ग्रेड बता रहा है राइट साइड में और सेकेंड ग्रेड बता रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसमें हाइपर इंटेंसिटी मार्जिन इनकी जो है प्रोमिनेंट आई है इसमें। अब यदि हम इसी की बात करें आज की MRI की, ठीक है, जो 8 तारीख की MRI है, Feb 8 की, ठीक है, तो इसमें ये क्लियरली पहले इन्होंने लिख रखा है कि प्रीवियस MRI डेट ये जो भी है, ठीक है, ये वाली MRI की बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक कंपेरिजन भी इसका दिया है, ठीक है। अब राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, कम देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज नियर कंप्लीट रिजोल्यूशन इन द मेरो इडिमा इन द हेड एंड नेक ऑफ फीमर, नो सिग्निफिकेंट जॉइंट इफ्यूजन इज सीन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो राइट वाली फीमर का हेड है उसमें पूरी तरीके से मेरो इडिमा जो सूजन है जो इन्फेक्शन था इडिमा का वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, साथ ही साथ जॉइंट इफ्यूजन भी अब इसमें नहीं देखने को मिला है। एज वेल एज लेफ्ट साइड में देखें तो इसमें है कि नो सिग्निफिकेंट मेरो इडिमा इज सीन इन द रेस्ट ऑफ द हेड एंड नेक ऑफ फीमर एज इट इज, जो ऊपर बताया है कि लेफ्ट साइड में भी न मेरो इडिमा है न जॉइंट इफ्यूजन देखने को मिल रहा है। अब यदि रेडियोलॉजिकल हम अप्रोच की बात करें तो इसमें ये बोलते हैं कि इन कंपेरिजन विद प्रीवियस स्कैन इम्प्रूव्ड इम्प्रूवमेंट इज नोटेड, वो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई इम्प्रूवमेंट इज नोटेड एविडेंट बाय नियर कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ बाइलेटरल मेरो इडिमा एंड ज्वाइंट इफ्यूजन। पूरी तरीके से रेडियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं आपको कि भाई इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिली है, एविडेंस देखने को मिला है, कंप्लीटली ये ठीक हुआ है बाइलेटरल मेरो इडिमा भी और ज्वाइंट इफ्यूजन भी। तो कहने का मतलब केवल तात्पर्य यही है दोस्तों कि MRI में रिजल्ट मिलेंगे, समय जरूर लगेगा, 7 दिन में एवियन ठीक नहीं होता है। ओके देखिए दोस्तों ये इनका एक्सरे है, ये पुराना एक्सरे है, आप देख सकते हैं 11/10/2022 का जो इन्होंने करवाया था, और ये अभी का एक्सरे है, आप डेट देख सकते हैं 31/1/2023 का, ठीक है। दोनों एक्सरे में बहुत ज्यादा अंतर है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा क्लोजअप में लाइए इस एक्सरे को, आप देखिए सबसे पहले इस एक्सरे में आप देखेंगे तो ये जो बॉल का शेप है ये डिसकंटिन्यू हो गया है ना, गोलाई में नहीं है ये, ठीक है, पूरा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खुरदुड़ा उस टाइप का ये हो गया है। इधर भी ये स्फेरिकल शेप इसका गोलाई नहीं रही है, बीच में से पूरा कट गया है ना,
मतलब काफी ज्यादा जो है सड़न इसमें दोनों साइड देखने को मिली थी। ठीक है, अब ये वाला एक्सरे देखिए, ये आज का एक्सरे है। आप इसमें देखेंगे कि ये पूरा जो है गोलाई में हो गया, ये पूरा गोल हो गया है, लेफ्ट वाली हड्डी फिर से बन गई है। इसमें नहीं थी, इसमें गोलाई नहीं थी, इसमें पूरी गोलाई आने लग गई है यहाँ से पूरा। ठीक है, दूसरी बात ये इसकी भी गोलाई धीरे धीरे मेंटेन हो रही है, क्योंकि राइट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम थी तो धीरे धीरे ही होगा, पर ये यहाँ से पूरा ऐसा गोल आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी गोलाई इसके बनना शुरू हो गई है। इसमें गोलाई नहीं थी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी थी। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं जैसे कांटे होते हैं ना, डिसकंटिन्यू खुरदुरा पत्थर रहता है, उस टाइप का था ये। अब ये धीरे धीरे गोल हो रहा है और इसके जो गर्त हैं वो भी भर रहे हैं, इसकी कैलस का फॉर्मेशन भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप होम्योपैथिक दवाइयों पर भरोसा करें। यदि आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो मैं ये मानता हूँ किसी भी स्टेज का एवियन ठीक हो सकता है, यदि आप श्रद्धापूर्वक ट्रीटमेंट लेते हैं तो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक लोगों को, और नीचे कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिए, जानना चाहता हूँ कि कौन लास्ट तक पूरा वीडियो देखता है। थैंक